पिछले वीडियो में राजस्थान के किलों का अध्ययन किया था, जिसमें अपन चित्तौड़ और अचलगढ़ के किले का वर्णन कर चुके हैं। आगे अब अपन देखेंगे अगला वाला किला है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। इसकी विशालता के कारण इसको मेहरानगढ़ का किला कहते हैं और इसकी आकृति मयूर के समान आकृति होने के कारण इसका एक अन्य नाम है मयूर ध्वज। और ये किला, जोधपुर का जो किला है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चिड़िया टूक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ चिड़ियानाथ तपस्या किया करते थे, इसलिए इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी है। इस किले की नींव 13 मई 1459 को करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मेहरानगढ़ के किले की नींव 13 मई 1459 को करणी माता के द्वारा रखी गई थी। इस किले का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने, किले का निर्माण करवाया था राव जोधा जी ने। कहा जाता है कि इस किले की जब नींव रखी गई थी तो उसमें राजिया नामक व्यक्ति को जीवित दफनाया गया था, और उस राजिया को जिस जगह पर दफनाया गया था उसके ऊपर एक तो कोषागार बनाया गया है, जिस जगह पर राजिया को दफनाया गया था वहां पर कोषागार और नकार खाना, जहां पे दफनाया गया था उसी के ऊपर कोषागार और नकार खाना बनाया गया है। जोधपुर के किले के बारे में रूडयार्ड किपलिंग की एक पंक्ति याद रखना कि जोधपुर के किला, जोधपुर का जो किला है वो देवताओं, परियों एवं फरिश्तों द्वारा निर्मित है। यानी इतना शानदार किला है, बहुत ही भव्य किला है जोधपुर का किला। इसके कुछ गेट के बारे में अपन अध्ययन कर देते हैं, उसके पोल के बारे में। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व दिशा जो है, इस उत्तर पूर्व दिशा में बना हुआ है जयपोल। 3 प्रमुख पोल हैं, उसमें से पहले उत्तर पूर्व में बनी हुई है जयपोल। जयपोल का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। जयपोल का निर्माण मानसिंह ने करवाया था और इसका जो किवाड़ था वो निम्बज के ठाकुर, निम्बज ठाकुर अमर सिंह उदावत, निम्बज के ठाकुर का नाम है अमर सिंह उदावत। निम्बज ठाकुर अमर सिंह उदावत अहमदाबाद से लेकर आए थे इस जयपोल का किवाड़। दूसरा, पहला था जयपोल इसका प्रमुख पोल, दूसरा प्रमुख पोल है जिसका नाम है फतेह पोल, वो है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में है फतेह पोल। इस फतेह पोल का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। फतेह पोल का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा कराया गया था और इसके पीछे का कारण था, जब जोधपुर को खालसा मुक्त घोषित किया गया था उस समय अजीत सिंह ने फतेह पोल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जोधपुर के किले में दौलत खाने के अंदर, दौलत खाने में तख्त सिंह ने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था, और इसी श्रृंगार चौकी पर जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। इस श्रृंगार चौकी का निर्माण तख्त सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। और प्रमुख बात जोधपुर के किले की, यहाँ पर नागणेशी माता का मंदिर बना हुआ है जो राठौड़ वंश की कुलदेवी हैं। नागणेशी माता का मंदिर इसका निर्माण करवाया था राव जोधा जी ने, लेकिन बिजली गिरने से ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए तख्त सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। नागणेशी माता मंदिर का पुनर्निर्माण तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जो इस किले के अंदर की मुख्य विशेषताएं वो हैं, इसके अंदर मानसिंह जी के द्वारा एक पुस्तकालय बनाया गया था। मानसिंह द्वारा जोधपुर के किले में एक पुस्तकालय बनाया गया था, उस पुस्तकालय का नाम था पुस्तक प्रकाश। तो ये थी जोधपुर के किले के बारे में प्रमुख बातें। आगे अपन लेंगे कुंभलगढ़ का किला। तो जोधपुर का किला एक बार फिर से देख लेते हैं। मेहरानगढ़ का किला,
भी कहते हैं। जोधपुर का किले का नाम है मेहरानगढ़ का, क्योंकि इसका विशाल आकार होने के कारण इसे मेहरानगढ़ कहते हैं। मयूर ध्वज भी कहते हैं, क्योंकि इस किले की आकृति मयूर के समान है। चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है। इस चिड़िया टूप पहाड़ी पहाड़ का नाम इसलिए क्योंकि पहाड़ के पीछे चिड़ियानाथ का समाधि स्थल था। इस किले की नींव 13 मई 1459 को करणी माता के द्वारा रखी गई, और इस नींव के अंदर राजिया नामक व्यक्ति को जीवित दफनाया गया था, और उसके जहाँ पे दफनाया गया था उसके ऊपर कोषागार और नकारखाना बना हुआ है। इसके साथ ही इस किले का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था, और किले के अंदर जो दौलत खाना बना हुआ है उसके अंदर तख्त सिंह ने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार चौकी पर ही जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। नागनेसी माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था, लेकिन बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया और मान सिंह द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बनाया गया था। अब आगे का किला है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। राजसमंद में सादड़ी गांव के पास कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के पास है। पहले कुंभलगढ़ में किले का निर्माण करवाया था मौर्य शासक संप्रति ने। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित किले के भग्नावशेषों के ऊपर महाराणा कुंभा के द्वारा, यानी कि जो कुंभलगढ़ का जो वर्तमान किला है उसका निर्माण करवाया है कुंभा ने। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित जो किला था उसके भग्नावशेषों पर, उसके द्वारा भग्ना जो किले था उसका जो क्षतिग्रस्त हो चुका था उसके भग्नावशेषों के ऊपर महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पर किले का निर्माण करवाया गया। एक संप्रति के बारे में विशेष बात यह है कि राजस्थान में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रथम शासक थे मौर्य शासक संप्रति, जिन्होंने कुंभलगढ़ के किले का पहले निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण या जैसे वर्तमान जो किला है वो कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो कुंभा के द्वारा, और इसके शिल्पकार थे शिल्पी मंडन। कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक और छोटा किला है, लघु दुर्ग हैं। कुंभलगढ़ के किले में जो लघु दुर्ग हैं उसे कहते हैं कटारगढ़, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो सीधी है, चढ़ाई जो है वो सीधी है, इसलिए इसको कटारगढ़ कहते थे, और कटारगढ़ ही कुंभा का निवास स्थान था। कुंभलगढ़ का किला एक अभेद्य दुर्ग रहा है। 1578 में इस पर जरूर शाहबाज खान ने अधिकार किया था, लेकिन प्रताप ने इस पे पुनः अधिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहलाता है, मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल भी कहलाता है। कुंभलगढ़ का किला बहुत ही मजबूत किला है। इसकी जो प्राचीरें हैं वो 7 मीटर चौड़ी है। इसकी प्राचीरें हैं वो 7 मीटर चौड़ी है, यानी कि 4 घुड़सवार पास पास आराम से चल सकते हैं इस किले की दीवारों के ऊपर, यानी बहुत ही मजबूत किला बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी घटित हुई कुंभलगढ़ के किले के अंदर, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ के किले में हुआ, उदय सिंह जी का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था, महाराणा कुंभा की हत्या भी इसी कुंभलगढ़ के किले में मामा देव कुंड के पास में हुई थी,